Hi guys, I'm Ashwin Sajan, live from Phuket, Patong, and especially in Rayyan, Orientia. As you know, आज हमारे साथ बड़ा important day है, हमारे साथ दो बड़ी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनसे मैं 5 दिन से time ले रहा था कि मुझे please कुछ वक्त दे दीजिए, but they are so much busy. एंड जो बिजी जिस चीज़ पे थी वो भी हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाला है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. वी हैव मिस्टर अमजद अली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू सर? हमारे साथ भाभी मौजूद है, शादी भाभी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम. सो नाइस ऑफ यू, आपने आज बड़ी मुश्किल से टाइम दिया. और आप यकीन जानिए कि जब भी मैं फुकेट आता हूँ, पताऊँ आता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने घर से, अपने शहर से, अपने वतन से दूर हूँ. मुझे लगता है कि मैं अपने ही वतन में हूँ. तो मैं ऑलवेज यहाँ पे जब भी आया हूँ, मुझे अपनी फ्लाइट डिले करवानी पड़ी है. हमेशा डिले हो जाती है फ्लाइट, क्योंकि यहाँ के दिन ऐसे गुजरते हैं जैसे उनको पर लग गए हों. और स्पेशली मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आया था, तो मैंने रायन ऑरेंटियल की तीनों टीवीसीज के वीडियोस किए थे, फिर यहाँ पे आज भी मैंने कोशिश की है कि मैं ये करूँ. और अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि बस दिल चाहता है कि रायन में रह जाए. अच्छा भाभी, मैंने ये फील किया है कि आपका जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो अपने लिए काम कर रहा है, बड़े हार्ट से, बड़े दिल से काम करता है. जबकि और होटल्स में भी मैं गया हूँ, रेस्टोरेंट में गया हूँ, वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं सैलरी के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए. तो आप ऐसा उनको क्या घोल के पिलाती हैं या पिलाते हैं अहमद भाई, कि आपका स्टाफ लगता है वो अपने घर में काम कर रहा है? हम उन्हें प्यार देते हैं. प्यार? आप यकीन करें, मैं जब पदों में आई थी, मैंने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि कितने ही लोगों के पास स्टाफ काम करता है, जो पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, और डिफरेंट कंट्री से भी लोग आते हैं. यहाँ पे सर्विस का बड़ा प्रॉब्लम है, और टाइम पे नहीं मिलती, और या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो लोग पासपोर्ट रख लेते हैं स्टाफ के, तो वो कहीं भाग भी जाए, अजीब सिस्टम यहाँ पे था. मुझे भी एक दो लोगों ने एडवाइस किया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती हूँ. और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने और मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया. और बल्कि मेरा जितना भी स्टाफ जो जाने वाला था या जो जा चुके हैं, लास्ट ईयर आपने देखा था दीपक था यहाँ पे, उसके बारे में वो कैंसर था, और उस बेचारे का पासपोर्ट किसी और ऑनर के पास था. बड़ी मुश्किल से मैंने दिला के दिया, और वो चीज़ को भी हमने काफ़ी पोलाइटली हैंडल किया, और उसको मैंने भेजा इंडिया, और उसको एक्स्ट्रा जो भी कर सकते थे, जो जो हमारा एफर्ट हो सकता था वो हमने किया. बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत पाकिस्तानी भी ऐसा करते हैं, और ये बड़ा अपसेटिंग है. और हमारे यहाँ माशाल्लाह 65 स्टाफ है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी हम लोगों से अनहैप्पी हो. नहीं, बिल्कुल भी कोई कंप्लेन ही नहीं है. मैंने बकायदा तौर पर तीनों जगह पे काम किया, तो मैंने ये फील किया कि वो ऐसे ही समझते जैसे कि वो अपने घर में हो. भाभी की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत. और फिर अमजद भाई का तो ये कि जब किसी ने कोई काम अपना करवाना होता मुश्किल, तो वो अमजद भाई से खाली कहता है, दूसरे दिन वो सोचता है शायद दोबारा कहना पड़े, लेकिन अमजद भाई काम कराए थे. अभी भाई आप तो वाकई प्यार इतना बांटते हैं कि लोग एक एक महीने से आके रहते हैं, मजीद एक महीने की सीट आगे की करा लेते हैं. ये थोड़ा सा तकलीफ है. लेकिन वो लोग नहीं होते, मेहमान आए रहे, रहमत होते, लेकिन रहमत ना होते. लेकिन वेरी गुड. उसके अलावा मैंने देखा कि अभी माशाल्लाह जो ना आपने नई सारी फ्लोरिंग कराई है, नई पेंट कराया है, मतलब इनकी मैंने कोशिश देखी है, इनके स्टाफ की भी और भाभी की भी, ये जो कस्टमर होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनके लिए ये वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि उनको किसी चीज़ को कुछ कहने की जरूरत ना पड़े. कोशिश हमारी यही होती है. असल में हमारा, आपको पता है, पहले आप आए थे लास्ट ईयर, तो एंटीक स्टाइल में था, और वो थोड़ा एलीट क्लास पे था, हर सबकी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो हर एक की समझ में नहीं आ रहा था. लोग कहते थे ये थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, पर वो था ही ओल्ड. Old is gold, मगर नहीं लोग समझते थे, इसलिए फिर मैंने सारा मुझे देखा सब व्हाइट होना चाहिए, एवरीथिंग व्हाइट पैलेस बना दो इसको, तो व्हाइट पैलेस कर. बिल्कुल, आपके वीडियोस भी अभी आप चल रहे होंगे बीच में, देख रहे हैं आप कि ये एक्चुअल तीनों झलक की ऐसी जबरदस्त जो है ना वहाँ का माहौल है, एटमोसफेयर है, कि जब वहाँ पर कोई आके स्टे करता है तो उसका दिल नहीं चाहता जाने का, पहली बात तो ये. दूसरी बात, जब आप गैर मुल्क में आते हैं, आपको चाहिए होता है हलाल फूड, एक्चुअल हलाल फूड और अच्छा खाना. अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे हलाल फूड बेचते हैं, वो कहते तो हलाल है, वो कहने को हलाल होता है, बट नॉट हलाल, क्योंकि अगर उसी कढ़ाई में, उसी बर्तन में थोड़ी देर पहले पे का ऑयल डाल के, कोक का ऑयल डाल के वो कुछ चीज फ्राई की गई है, वो तो बनाए या हैम बनाते हैं, कोक बनाते हैं, वो सेम चीज में अगर वो हलाल चिकन डाल के बना रहे हैं तो वो हलाल नहीं कहलाएगा. वो क्योंकि उसमें टाइम लगता है, अगर फ्राई हो रही है फ्रायर में, उसी में फ्रेंच फ्राई, उसी में फिश, उसी में कोक फ्राई हो रहा है,
वो डेफिनेटली हलाल है। वो दिल की तरह लेंगे तो हलाल होगा, लेकिन जब उसको जब तक वो पाक नहीं करेंगे तो हलाल होगा। लेकिन यहाँ भाभी के दोनों रेस्टोरेंट्स के अंदर हलाल फूड मिलता है, और आप यकीन जानिए कि मैं अपने जब बदन में होता हूँ तो बहुत कम खाना खाता हूँ, बहुत सुबह हल्का फुल्का खाता, रात का हल्का फुल्का खाना, घर का खाना बाहर नहीं खाता। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो जो भी फूड मैं ऑर्डर करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो थाई हो, वो इंडियन हो, वो इटालियन हो, कुजीन कोई सा भी कुजीन हो, इतना टेस्टी होता है। और सबसे खास बात अमजद भाई की, अमजद भाई जब सजेस्ट करते हैं ना कि यार आज ये आलू पराठा खाओ, आज ये छोले खाओ, और कौन सा गार्लिक प्रॉन, गार्लिक प्रॉन, अमजद भाई तो ऐसी ऐसी डिशे बताते हैं ना कि जब वो खाते हैं तो सोचते हैं पहले क्यों नहीं खाया। हमारा न्यू क्रिएशन आजकल आपको बता रहा हूं, जलफ्रेजी पराठा। जलफ्रेजी पराठा मुझे भाभी ने खिलाया, ओह माय गॉड, आई फॉरगेट एवरीथिंग, व्हाट अ टेस्ट।